वेलकम टू लॉर्ड ऑफ रोड्स। लॉर्ड ऑफ रोड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मयूख और लास्ट वीडियो में मैं आपको साथ प्रॉमिस किया था कि सुपर बाइक के रिव्यू के साथ मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फाइनली मैं आ गया कोलकाता में चिनार पार्क में, जो BMW का शोरूम है आप देख ही रहे हैं, OSL प्रेस्टीज मोटरहेड, इसके सामने आ गया हूँ। अभी शोरूम के अंदर चलेंगे, सारे सुपर बाइक्स देखेंगे, BMW की कितने कैटेगरीज है सब बाइक देखेंगे। तो इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि बाइक के रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। चलिए शोरूम के अंदर जाते हैं, फिर एक के बाद एक आपको बाइक दिखाते हैं। आइए, दिस इज़ BMW F900R। ये BMW का एक नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है। इसमें इनलाइन 2 सिलेंडर का इंजन दिया गया है। जो इंजन कैपेसिटी है इसका वो है 895 cc, और इसका जो BHP है मतलब हॉर्स पावर है वो 105 HP ऑफ पावर, एंड इसका जो टॉर्क है वो है 92 Nm ऑफ टॉर्क। इसको छोड़ के इसमें LED हेडलैम्प से लेकर के TFT डिस्प्ले तक सब कुछ दिया गया है, और ये एक बहुत ही परफॉर्मेंसिंग मोटरसाइकिल है। और अभी हम लोग दिखाने वाला है ये F900cc का ही, इसका ही एक एडवेंचर टूरर, मतलब ये F900XR है। ये F900R इज नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल, दिस एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसका जो सीटिंग पोजीशन है ये अपराइट सीटिंग पोजीशन है, मतलब इसको लेके लॉन्ग लॉन्ग टूर में कस्टमर लोग जा सकता है। इसको लेके भी कस्टमर लोग जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको लेके आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कंफर्टेबली आप जा सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें क्या और फीचर्स एक्स्ट्रा है, फीचर्स में एक्स्ट्रा है इसमें क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है। जो आप हाईवे में जब आप लॉन्ग राइड करोगे, मतलब क्रूजिंग का टाइम में एक एवरेज स्पीड इसमें आप मेंटेन कर सकते हो, आपको जब थॉटल नहीं देना पड़ेगा। लॉन्ग ड्राइव के लिए एक परफेक्ट बाइक है। और इसमें एडजस्टेबल, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल शॉकर भी दिया गया है, मतलब सस्पेंशन जिसको बोला जाता है दिया गया है, काफ़ी कंफर्टेबली राइड कर सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे इसका 10 mm सीट हाइट ज़्यादा है, इसका 815 mm एंड इसका 825 mm। अभी हम लोग दिखाने वाले हैं BMW का और एक डिमांडिंग और एक शानदार मोटरसाइकिल, जो है BMW R1250 सीरीज का GS। GS मतलब क्या होता है, इसको लेके आप ऑफ रोड ऑन रोड बेसिक चला सकते हो, और उसको छोड़ के भी आप इसको लेके मतलब बहुत दूर दूर तक राइड कर सकते हो, टूरिंग पर्पस एंड ऑफ रोड रैली पर्पस के लिए ये वाला बाइक एकदम बढ़िया है। 1254 cc का इंजन इसमें प्रोवाइड किया गया है, 1254 cc का बॉक्सर ट्विन इंजन इसमें दिया गया है। देखिए इंजन एक बार दिखाइए, ये वाला काफ़ी बड़ा लग रहा है और फ्लैट ली है, ये बॉक्सर ट्विन इंजन प्रोवाइड किया गया है। और इसमें भी दो वेरिएंट हम लोगों का पास अभी शोरूम पे खड़ा है, जो ये R1250 GS एंड R1250 GS A, मतलब ये कैटेगरीज का है। इसका मॉडल थोड़ा अपडेटेड, मतलब ये GS एडवेंचर मॉडल है ये वाला, और ये एडवेंचर मॉडल है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका भी और इसका भी इंजन कैपेसिटी सेम है, BHP टॉर्क सब कुछ सेम है। इसमें 136 PS ऑफ पावर प्रोवाइड किया गया है, और 142 Nm ऑफ टॉर्क इसमें भी सेम है। और चेंजेस क्या है, चेंजेस ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका सीट हाइट 850 mm और इसका सीट हाइट 890 mm, और इसमें और इसमें देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, बड़ा लग रहा है कि वो ये जो आपका लेग गार्ड्स वगैरह दिया गया है इसके लिए बड़ा लग रहा है। और कुछ ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं है। और चेंजेस क्या है, इसका टैंक कैपेसिटी मतलब फ्यूल टैंक कैपेसिटी 20 लीटर और इसका 30 लीटर। अच्छा, ये फ्यूल टैंक कैपेसिटी, टैंक कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा है। तो अभी हम लोग जिस बाइक के पास खड़े हैं, बाइक
तो अभी हम लोग दिखाने वाले हैं BMW का न्यू लॉन्च स्कूटर जो कि ना मार्केट में अभी अभी आया है। इसका नाम एकदम नया और इसका नाम है C400 GT 350cc का एक स्कूटर है, 350cc की स्कूटर जो इंडिया में 350cc इसका नाम है C400 GT। हाँ, तो बात क्या है, इंडिया में लॉन्च पहली टाइम किया है मैक्सी स्कूटर, इसको मैक्सी स्कूटर बोला जाता है। इंडिया में पहली बार कोई कंपनी ने इतना हाई सीसी का स्कूटर लॉन्च किया है। इसमें भी 34 PS ऑफ पावर दिया गया है, मतलब 34 BHP का स्कूटर है ये वाला। बहुत सारा फीचर्स दिया गया है, TFT डिस्प्ले से लेकर के कीलेस राइड तक सब कुछ, मतलब कीलेस राइड भी हो सकता है जो हम लोगों का GS में होता है, इसमें भी कीलेस राइड है, मतलब आप पॉकेट में की रख के भी राइड कर सकते हो। इधर पे आपका स्टार्ट पुश बटन इग्निशन ऑन ऑफ का ऑप्शन है। और इसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या है, दरअसल दिखा जाता है स्कूटर में आपका माइलेज तो कम देता ही है, और मतलब स्कूटर में टैंक कैपेसिटी बहुत कम होता है, मतलब फ्यूल का जो कैपेसिटी मैक्स टू मैक्स 5 लीटर होता है, लेकिन इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज 12.5 लीटर। और आप लोग देख ही सकते हो इसमें कितना कंफर्टेबल सीट, हाँ इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। इसका सीटिंग कंफर्ट देखिए, सीटिंग पोजीशन देखिए, मतलब आप बैठो और बहुत दूर दूर तक जाओ। उसको छोड़ के भी इसमें 3 चार्जिंग का सॉकेट दिया गया है, इधर पे और सीट का नीचे 1। और उसको छोड़ के आप सीट का नीचे इतना जगह है ना, इतना कैपेसिटी है, मतलब उधर पे एक हेलमेट रखने का तरह भी जगह है, स्पेसियस है, बहुत सारा स्पेसियस है। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे पॉकेट फ्रेंडली, यानी आपके बजट में जो बाइक है BMW का जो आप ले सकते हैं वो है BMW 310 सीरीज का। दोनों बाइक आप देख रहे हैं, दोनों एक नेकेड वर्जन में है और एक फुल ये वाला एडवेंचर टूर, एडवेंचर बाइक है, तो दोनों के बारे में आप जानेंगे। दिस इज BMW G310R एंड दिस इज BMW G310GS। अंदर में हम लोग जैसे दिखाया था 900cc का 2 वेरिएंट, साथ 300cc का भी 2 वेरिएंट, ये वाला है नेकेड स्पोर्ट्स और ये वाला है एडवेंचर टूरर। इसमें और इसमें डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका फ्रंट व्हील का साइज थोड़ा बड़ा है और इसका सीटिंग पोजीशन अलग है, बाद बाकी इंजन कैपेसिटी से लेकर सब कुछ सेम है। इंजन 313cc का इंजन है, 34 PS ऑफ पावर है और 28 Nm ऑफ टॉर्क इसमें दिया गया है। सिंगल सिलेंडर DOHC फोल्ड वाल्व लिक्विड कूल इंजन इसमें दिया गया है। अभी इसका प्राइस बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, मतलब रीजनेबल प्राइस में कोई अगर BMW का तरह ब्रांड चलाने चाहोगे तो इस सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी बाइक है। इसका ऑन रोड प्राइस आ जाएगा इन वेस्ट बंगाल 326,312 एंड इसका ऑन रोड प्राइस आ जाएगा इन वेस्ट बंगाल 366,945। जो लोग थोड़ा अच्छा बाइक खरीदना चाहते हैं, बजट जिसका थोड़ा सा अच्छा है, वो उसके हिसाब से 3-3.5 लाख का तो ऐसी बाइक आ जाते हैं। ऐसे ही आप लेके अगर हम BMW चूज करते हैं तो उसी रेंज में बढ़िया बाइक, मतलब BMW तो पता ही आप लोगों का बहुत हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल है। इसका लोगों से बड़ा बात जो है, इसका टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, इसका इंजन क्वालिटी बहुत बड़ा है, बहुत एडवांस, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बढ़िया है, मतलब BMW इट्स अ ब्रांड ना। तो उसी रेंज में अगर आपको 4 लाख तक एक बाइक प्लानिंग करूँ, 4 लाख तक मेरा बजट है, तो BMW विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। चलिए अभी मेरा जो सबसे फेवरेट बाइक है जो बाइक लवर होता है ना उसका ड्रीम बाइक है, मतलब हर बाइक लवर का ये बाइक तो ड्रीम बाइक होता ही होता है। मतलब ये वाला है 999cc का इंजन दिया गया है, इनलाइन 4 सिलेंडर, मतलब 4 सिलेंडर का इंजन इसमें दिया गया है BMW ने दिया है। और इसका जो BHP है वो 207 HP ऑफ पावर एंड इसका जो टॉर्क है वो है 113 Nm ऑफ टॉर्क, मतलब काफ़ी पावरफुल है। और ये जो बाइक है ना, ये इलेक्ट्रॉनिकली पूरा फीचर लोडेड बाइक है। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, इसमें हीटेड ग्रिप से लेकर के क्रूज कंट्रोल, उसके बाद डायनामिक टैम्पिंग कंट्रोल से लेकर के व्हीली कंट्रोल तक सब कुछ इसमें दिया गया है। उसको छोड़ के भी ये वाला जो वेरिएंट है, ये वाला BMW S1000RR का M स्पोर्ट्स वेरिएंट है,
मतलब S1000R का टॉप वेरिएंट है, जिसमें आपका कार्बन फाइबर एलॉय दिया गया है, क्रूज कंट्रोल, हीटेड ग्रिप तो है ही, और भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर्स दिया गया है। चलिए मैं एक बार इसमें बैठ के देख लेता हूँ कैसा लगता है। फीलिंग वेरी गुड, मतलब कोई बात कोई जवाब नहीं इस बाइक का, बैठने में अलग सा एक फीलिंग आता है इसमें। और गैस आप लोग अगर बोल सकते हैं जो वर्ल्ड का फर्स्टेस्ट जो बाइक होता है ना सुपर बाइक, उसमें ये एक है, इसका मैक्सिमम स्पीड 300 है। बाइक के ऊपर बैठा हूँ ये, इसका मैक्सिमम स्पीड है 300, 299 किलोमीटर पर आवर प्लस। 300 कहा जाता है, उससे भी तेज ये जा सकती है ना। हाँ, तो 300 वैसे लिखा जाता है 300, पर उससे भी ज़्यादा तेज जा सकती है। तो आज के लिए मेरा BMW के साथ जो एक्सपीरियंस था, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही बेहतरीन बाइक देखने को मिला हम लोग को। तो ऐसे वीडियोस लेके मैं आता रहूँगा, तो तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा जो लास्ट सेफ ड्राइव वाला वीडियो है उसको ज़रूर देखना, क्योंकि बाइक चला रहे हो तो सेफ ड्राइविंग बहुत ही ज़रूरी है। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सेफ ड्राइव सेफ लाइफ।